राजस्थान के प्रतापगढ़ में मंदसौर में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर आज दोपहर तक दलोट कस्बा बंद रहा। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे में आरोपी के पुतले के साथ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। विभिन्न संगठनों एवं कस्बे वासियों ने नगर बंद के सहयोग कर विरोध दर्ज करवाया। कस्बे के मुख्य मार्गों से पुतले को जुलूस के रूप में निकालकर दलोट के गणेश मंदिर चौराहे पर आरोपी के पुतले को लटकाकर फांसी दी गई। फांसी के बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुतले का दहन किया और उसे आग के हवाले कर दिया। तो वहीं जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए राज्यपाल और मध्य प्रदेश सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DYSP जगराम मीणा, सालमगढ़ थाना प्रभारी बुद्धाराम बिश्नोई सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद पुणे बाजार खुले व व्यापार सुचारू रूप से चालू हुए। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।